के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने गैस का बिल या बिजली का बिल या पानी का बिल पे करके आपको यहां पे कैशबैक रिसीव हो सकता है। जी हां फ्रेंड्स, बहुत से लोग भी बोलते हैं कि भाई हम बिजली बिल पे तो करते हैं लेकिन हम लोगों को उसमें कैशबैक रिसीव नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पे ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यहां पे गैस का बिल पे करोगे या अपना पानी का बिल हो गया या आपका बिजली का बिल हो गया, पे करते ही आपको यहां पे अप टू 50 रुपीज़ आपको कैशबैक रिसीव हो जाएगा। डेफिनेटली यहां पे आपको कैशबैक रिसीव होना ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहां पे सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाल कलर का बेल आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, यहां पे टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करते हो तो यहां पे एक नोटिफिकेशन बेल दिख जाएगा, इसको ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे अपना कोई भी बिल पे करने के लिए आपको एक ऐप का यूज करना पड़ेगा जो आपका पेमेंट ऐप होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, पेटीएम हो गया या अदर बहुत से एप्लीकेशन आता है, फ्री रिचार्ज भी आता है, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप अपना अमेजोन का जो पे होता है, अमेजोन पे होता है, वो ओपन कर लेना है। तो चलिए वीडियो में शुरू करता हूँ एंड वीडियो में आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी आप बिल पे कीजिए, या बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, या आपका गैस का बिल हो, यहाँ पे आपको कैशबैक रिसीव करने के लिए सिंपल सा आपको करना क्या होगा, अमेजोन का एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। अमेजोन का एप्लीकेशन में बहुत से ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि ऑर्डर प्लेस करने का, या नहीं तो यहाँ पे बिजली का बिल पे करने का, कोई भी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या आपका गैस बिल हो गया, या वाटर बिल हो गया, यहां पे करते ही आपको अप टू 50 रुपीज मिल जाता है। लेकिन इसका क्या रूल्स है, क्या इसका यहां पे फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को आपको यहां पे वो समझना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे अपने पे अमेजोन पे जैसे मैंने टैप किया, टैप करते ही यहां पे थोड़ा सा वेटिंग करने के बाद यहां पे मेरा जो अमेजोन पे का जो यहां पे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या मोबाइल रिचार्ज हो गया, या सेंड मनी, यूपीआई मनी, या क्यूआर कोड से किसी को भी पैसा आप यहां पे ट्रांसफर कर पाओगे। तो फिलहाल का अभी जो हमारा टॉपिक है यहां पे कि कैसे हम अपना बिल पे करके अप टू 50 रुपीज़ यहाँ पे कैशबैक रिसीव कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरा नेटवर्क वीक है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। वेट कर लेने के बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं कि आगे का क्या ऑप्शन है यहाँ पे आने वाला है। तो थोड़ा सा चलिए हम वेट कर लेते हैं एंड ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे कन्फर्म लाइव दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अमेजोन पे यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेली रिवॉर्ड अप टू 500 रुपीज़ यहाँ पे। लेकिन आपको अपना बिजली का बिल पे करना है, किसी चीज़ का भी बिल पे करना है, वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ कैशबैक रिसीव करना है। एंड कैसे पे करना है वो फुल एक्सप्लेन आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए। ये आपका अमेजोन पे बैलेंस है जिसमें आपका जितना भी कैशबैक रिसीव होता है, अमेजोन का जितना भी कैशबैक आएगा वो आपके अमेजोन वॉलेट में ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना है आपको कैसे अपना बिल पे करना है। तो बिल पे करने के लिए यहां पे देख लीजिए, रिचार्ज का हो गया, या डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, या आपका यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी या पोस्टपेड का बिल पे हो गया, गैस बिल हो गया, या नहीं तो आपका ब्रॉडबैंड का बिल हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, लैंडलाइन का, बहुत से यहां पे बिल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। वाटर बिल का भी है यहां पे, आप देख सकते हो म्यूनिसिपल के यहां पे टैक्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो लेकिन हमें यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है एंड यहां पे कैशबैक रिसीव करना है। तो सिंपल सा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हमें क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आप देख लीजिए फ्लैट ऑन 50 50, यहां पे बैक ऑन नेक्स्ट बिल पेमेंट ऑफ मिनिमम 100 रुपीज यूजिंग बाय वीजा क्रेडिट वीजा कार्ड। यहां पे आपको बोला जा रहा है कि एक बिल पे करने का आपको यहां पे इसका लास्ट यहां पे डेट भी आपको दिख जाएगा 30 का, आगे यहां पे सितंबर होगा कंफर्म। हर आपको एवरी मंथ में ये आपका चेंज होता रहता है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप 50 रुपीज अगर कैशबैक चाहते हो तो 50 रुपीज कैशबैक के लिए आपको यहां पे मंथ 50 रुपीज कैशबैक रिसीव हो जाएगा। जैसे कि आपके घर का मंथ में एक ही बार बिल आता है तो आप एक बार ही यहां पे पे करोगे तो आपको एक बार पे करने का 50 रुपीज यहां पे रिसीव हो जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड बार किसी और का बिल पे करते हो तो वहां पे 10 रुपीज या आपको 10 रुपीज से लेके 40 रुपीज के बीच में भी पेमेंट आपको कैशबैक रिसीव हो जाएगा। तो सिंपल सा बिल पे करने के लिए यहां पे आपको फर्स्ट बोल रहा है कि आपको यहां पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने यहां पे स्टेट सेलेक्ट करता हूं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको बोल रहा है सेलेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहां पे आपको बताया जा रहा है। तो मेरे जो यहां पे बोर्ड है, यहां पे दो बोर्ड है, बिहार में दो बोर्ड चलता है। तो सिंपल सा मेरा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे आपको बोला जा रहा है सीए नंबर, आपका जो मीटर आपने पास करवा रखा होगा उसमें एक सीए नंबर होता है, सीए नंबर पे आपका बिल एवरी मंथ वहां पे कट के आपको आता है। तो सिंपल सा आपको यहां पे सीए नंबर डालना है। सीए नंबर आप जैसे डालोगे
तो आपका जितना मंथ का बिल रहेगा वो नीचे आ जाएगा एंड वहाँ पे टाइम भी बताएगा कितना ड्यू आपका रह रहा है, कितना आपने बिल पे कर दिया है अब तक एंड इस मंथ का कितना आपका बिल पे करना है। तो चलिए यहाँ पे हम सीए नंबर फिल कर देते हैं, उसके बाद आगे का जो ऑप्शन आता है हम आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना यहाँ पे सीए नंबर फिल कर दिया, उसके बाद फेच बिल पे यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपका कस्टमर आईडी यहाँ पे बफरिंग करेगा। बफरिंग कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, वेट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा जिसके नाम से आपने अपना मीटर पास करवाया है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर पास हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा एंड कितने से कितने महीने तक का आपका बिल आया है वो आपका डेट एंड टाइम यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। अमाउंट बिल आपका कितना है वो भी यहाँ पे शो करेगा एंड नीचे कंटिन्यू पे टू बिल पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपल सा यहां पे जैसे आप कंटिन्यू टू बिल पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपका पूछा जाएगा कि आप यहां पे कैसे आप अपना पे करना चाहते हो बिल। तो मेरा 190 का मेरा एक महीने का बिल यहां पे मेरे को रिसीव हुआ था। तो सिंपल सा आपका ये जो अमेजोन बैलेंस है 55 रुपीज, आप चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो या नहीं तो आप इसे अपने वॉलेट का बैलेंस यूज नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए। सिंपल सा इस पर टैप करोगे तो आपको सिंपल सा 135 रुपए करना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी अमेजोन बैलेंस में 55 रुपीज है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहां पे करके दिखाता हूं। तो 55 रुपीज वो प्लस यहां पे और भी 135 रुपए और यहां पे प्लेस ऑर्डर एंड पे यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही आपका ये जो बैलेंस है आपका UPI के थ्रू आपके यहां पे पेमेंट यहां पे डिडक्ट कर लिया जाएगा एंड आपका बिल जो है पेमेंट हो जाएगा। तो मेरा यहां पे UPI मांग रहा है तो चलिए मैं अपना UPI फिल कर देता हूं, उसके बाद आगे का जो ऑप्शन आता है वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने अपना यहाँ पे UPI यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद सिंपल सा ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे आप क्लिक करोगे तो प्रोसेसिंग पेमेंट प्लीज वेट का ऑप्शन बोलेगा। इस बीच में आपको बैक नहीं करना है, नहीं तो आपका बैलेंस अटक जाएगा एंड वो आपका बैलेंस पे नहीं हो पाएगा एंड कुछ दिन बाद जैसे कि 3 दिन हो गया या 10 दिन बाद आपका बैलेंस रिटर्न आएगा। तो आपको अपना पैसा फंसाना नहीं है, सिंपल सा थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आगे का डिडक्टिंग ऑप्शन हो जाएगा, प्रोसेसिंग और बिल पेमेंट यहाँ पे आपको बोला जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका जो बिल है वो पेमेंट हो जाएगा इजीली तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे देख लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूँगा। वेट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए योर बिल पेमेंट 190 रुपीज यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे सब कुछ बता रहा है। व्यू ऑर्डर पे डिटेल पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल सा व्यू ऑर्डर डिटेल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक स्लिप मिलेगा। स्लिप मिलते ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका CA नंबर क्या था एंड प्लस आपने कितने का बिल पे किया एंड कहाँ पे बिल पे किया। तो चलिए अब इसे हम बैक करते हैं, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब उसके बाद सिंपल सा दोबारा हम यहाँ पे आते हैं एंड एक बार अपना जो अमेजोन पे है उसे रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपका 1 से 1.5 घंटे के बीच में जो आपका कैशबैक रहेगा वो आपके वॉलेट में यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अभी देख लीजिए मैंने अपना वॉलेट यहाँ पे जो पेमेंट था वो मैंने यूज़ कर लिया था, लेकिन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था 50 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा वो थोड़े देर तक मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगा कंफर्म। तो 100% आपका कैशबैक यहां पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, आपने कहाँ कहाँ यहाँ पे यूज़ किया अपने UPI को एंड कितना आपको कैशबैक मिला हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए लास्ट जो मैंने बिल पे किया था यहाँ पे मेरा कैशबैक जो रिसीव हुआ आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। UPI के थ्रू कैशबैक रिसीव 100% अप टू 50 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट बिल जो मैं पे किया है यहाँ पे 50 रुपीज़, तो हो सकता है इस बार मेरे को 10 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ के बीच में ही मेरे को कुछ अमाउंट यहाँ पे मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल दिख जाएगा उसको ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।